एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग आवाज आ रही है ना बेटा सभी लोग कंफर्म कर दो एक बार आवाज आ रही है क्लियर साउंड ओके साउंड ओके टू ऑल ऑफ यू द मेंबर गुड मॉर्निंग एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से साउंड ओके okay. अदिति गुड मॉर्निंग मनीष जैन बेटा आ गए सभी लोग आगे को बता दो जल्दी से भाई दोस्तों कि साउंड ओके okay है कि नहीं जल्दी से सैलो बिल्कुल साउंड ओके okay है कि नहीं जस्ट भाई फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से ये साउंड ओके चलो ओके गुड मॉर्निंग इंडिया आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं राजीव महद्राज डेली की तरह महेंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में गुड मॉर्निंग इंडिया गुड मॉर्निंग इंडिया सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभाकाल और uh, कल मुलाकात नहीं हो पाए थे लेकिन कल की कसर आज हम लोग पूरा करेंगे है ना भाई सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग uh, मोहम्मद तगा जी गुड मॉर्निंग खुजु तिवारी गुड मॉर्निंग क्रिस गोयल जी गुड मॉर्निंग आयुष गुड मॉर्निंग संतोष जी गुड मॉर्निंग येट एडी साउंड ओके गुड मॉर्निंग पलक शुक्ला गुड मॉर्निंग संतोष कुमार गुड मॉर्निंग सभी गुड मॉर्निंग सभी गुड मॉर्निंग सतरियाकाल राधे राधे असलमैक तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सो बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे इंजॉय कर रहे होंगे और आज का सेशन थोड़ा सा चेंज हुआ आ, मैंने कुछ खास इसमें ऐड किया है क्योंकि पता होगा आपको कल सारे प्राइज़ हो चुके हैं नोबेल के यानी जो नोबेल का प्राइज होगा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस इस प्राइज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना ये गारंटी है आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कौन से एरिया में क्या नोबेल मिला कितना मिला क्या मिला व्हाट एवर द डिटेल ऑल द डिटेल जो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं ठीक है ना जब उसको हम एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा याद हो जाएगा ठीक है भाई तो सबसे पहला काम गणपति पापा मौर्याश टैग मिशन सलेक्शन स्टार्ट कर दो और जितने लोग जुड़े हैं सेशन में और जो नहीं भी जुड़े हैं सेशन में उन तक पहुँचाओ सेशन को आप बस कुछ नहीं करना है सेशन के लिंक को कॉपी करो तुरंत जल्दी से कॉपी करो और जहाँ तक हो सके आज सेशन को शेयर कर दो ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि याद रखना आज के क्लास से गारंटी है कम से कम दो से तीन नंबर तो आने ही आने एकदम फिक्स कर लो और याद रखना मेंस की गाइडलाइन आ चुकी है डेट्स आ चुके हैं तो अब भाई कमर कस लो अब एकदम कमर कस लो एक महीना हमारे पास बचा है उस एक महीने में इतनी मेहनत करनी है इतनी मेहनत करनी है कि जो हमारा टारगेट है दिस इज़ कॉल फोर्टी फोर्टी में थर्टी फाइव प्लस का वो टारगेट को बहुत ईजिली अचीव कर जाए मान हो कि नहीं सभी लोग फटाफट बटाए जल्दी से यस सर कल की कसर आज पूरी होगी कोशिश करेंगे डोली यादव हो जी बिल्कुल याद है ना कल की कसर आज पूरी करूंगा ठीक है ना ओके तो जितनी जल्दी हो सके सेसन को आपके ऊपर है जहां तक जो भी आपके पास व्हाट्सअप के ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक है जो भी आपके पास मीडियम में सब जगह बस लिंक को कॉपी करो पहला काम क्या करो शेयर कर दो ओके क्योंकि आज का जो सेशन है ना बहुत खास होने वाला है समझना ध्यान से आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के और साथ में आज का सेशन क्यों खास होगा क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछता है और साथ में याद रखना आज मैं फिफ्टी एम सी क्यों लेके आया हूँ हाँ याद रखना मैंने कुछ नोबल प्राइज़ ऐड कर दिया है तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कम भी हो जाए बट ये सीरीज़ मैं पूरी कराऊंगा याद रखना मेरी सीरीज़ है फिफ्टी क्वेश्चन की इसको मैं पूरी कराऊंगा एट एनी हाउ ओके तो जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सेशन को एकदम शेयर और लाइक कर दो और ताबर तौर बैटिंग स्टार्ट करना है वी आर रेडी मेक मी कन्फर्म रेडी स्टार्ट किया जाए और याद रखना बहुत प्यारी से एक इन्फॉर्मेशन है महिंद्रा ने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है क्योंकि पता होगा आप सभी लोगों को कि नेक्स्ट ईयर से सारे एग्जाम होने वाले हैं सी के फॉर्म में सभी को पता होगा ओके okay? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम क्या कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके okay? चलो आगे चलते हैं और जिनको भी कुछ दुख है कष्ट है जीए में याद नहीं होता वट एवर जो भी डाउट्स होते हैं याद रखना कुछ नहीं बस यहाँ मुलाकात करो मुझसे ऐट द रेट पर आपको याद रखना जो भी अपडेट्स होंगे ये मैं गारंटी तो नहीं देता हूं बट याद रखना जो भी अपडेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर मैं बातता हूं जीए को लेकर याद रखना सबसे पहले आपको यहां अपडेट्स होगा और याद रखना यहां के जो मेंबर हैं ना जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं 300 से 500 लोग ना बड़े एक्टिव हैं इस पर आप बस जुड़े रहना ना एक दिन तो आपको देखना होगा इतनी काम की डेटाज आती हैं ना आप बस उसको रिकॉर्ड भी करोगे ना तो आपके पास काफ़ी अच्छा एक डेटा स्टार्ट हो जाएगा जिसको कहते हैं जी के लिए ओके रश्मि जी ने कहा बेटा मिशन सिलेक्शन मिशन सिलेक्शन तो है ही बिल्कुल मेरा टैगलाइन है इस बार सिलेक्शन लेके रहना हम सभी लोगों को बाय हुक बाय करुक और इस बार रुकना नहीं है दोस्तों याद रखना रुकना नहीं इस बार ठीक है ना तो आर यू गाई रेडी सभी लोग रेडी हो जाओ जल्दी से और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो बड़ा छोटा सा काम है लाइक करना ऐसे जाओ लाइक कर दो हो जाता है ठीक है ना चलो सबसे पहले बहुत प्यारे सी आज की थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट है जरा समझना इससे पहले कि सपने सच हो इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे दैट मीन्स कहने का आ, सपने सच तभी तो होंगे जब सपने को आप देखेंगे यानी अगर आपका कुछ एम होगा कि इस एम को हमें पूरा करना है तभी तो वो एम पूरा होगा कि बिना सोचे ही हमारा एम पूरा हो जाएगा तो लाइफ में याद रखना सोचना है सपने भी देख रहे हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी ये मेरा मेरा नहीं कहना सभी का कहना होता है ओके तो बिल्कुल याद रखना सपने देखिए और सपने को पूरा करने के लिए जितनी ज़्यादा ताकत जितनी मतलब कहते हैं ना जितनी आपके पास सफिशंसी सबको लगा दो और मेरा एक डायलॉग बहुत अच्छा सा है मैंने सभी को बोलता भी हूँ मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ हम सब के पास एक लाइफ होती है और ये हमारे हाथ में उस लाइफ को हम कैसे टर्न करते हैं आने वाला एक साल आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस डिसाइड करेगा कि क्या आपकी होगी अगली आने वाली थर्टी ईयर्स अगर हमने नेक्स्ट एक साल में इतनी मेहनत कर ली तो याद रखना जो आपका नेक्स्ट थर्टी या फोर्टी ईयर्स होगा वो बहुत आराम से व्यतीत होगा आपको पता होगा और अगर हमने इस साल में आराम कर लिया दोपहर में खाना खा के आराम कर लिया जरा सोचना तो हालात क्या होंगे गॉट इट टू ऑल ऑफ यू तो याद रखना आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप इस वन ईयर मेहनत करना चाहते हो कि अगले थर्टी ईयर्स आप मेहनत करना चाहते हो तो डिसाइड जस्ट डिस, डिस, डिसाइड और डू द हार्ड वर्क जिन्होंने आर आर बी प्री का एग्ज़ाम दिया है आ, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप रेडी हो जाओ अब हम लोग पूरा एक महीना हमारे पास समय बचा है उस एक महीने में हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा से सारा सेशन कवर करूँगा चाहे वो करंट हो गया चाहे स्टैटिक हो गया याद रखना हम लोग एक एक पहलू को डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी कुछ मिस होगा याद रखना आपको मैं यहाँ जरूर हेल्प करूँगा ये मेरी गारंटी है ओके okay? सभी लोगों को तो भाई बिल्कुल सपने देखने स्टार्ट कर दो उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी स्टार्ट कर दो आ, मैंने कुछ होमवर्क दिया था और होमवर्क ही क्योंकि आज का टॉपिक है तो मैं होमवर्क को डिसाइड करूँगा डिस्कस भी, भी करेंगे मैंने पूछा था कि जो नोबल प्राइज़ है किसको किसको मिला और मैं बताना चाहता हूँ बहुत लोगों ने आंसर दिया बहुत लोगों ने आंसर दिया बेटा याद रखना ठीक है ना तो आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये वो आ, फेमस पर्सनालिटी आपके स्क्रीन के सामने है जिन्होंने होमवर्क में पार्टिसिपेट किया और इसमें आप भी आ सकते हैं इसमें आप भी आ सकते हैं इस्तकयाक जी ने कहा जो हारा सर हारा वही जो लड़ा नहीं बिल्कुल यार ये सबसे पहले फ़ाइट तो करें पहले फ़ाइट करें तब तो पता चलेगा कि हम जीतेंगे कि हारेंगे पहले फाइट देन डिसाइड की जीतेंगे कि हारेंगे है ना, चलो बेटा ओके आ, सर आर बी आई असिस्टेंट्स मेन्स में करंट अफेयर्स कौन सा मंथ बेटा याद रखना अखिलेश चंद्र उपाध्याय जी लास्ट सिक्स मंथ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं लास्ट सिक्स मंथ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखना आज मैं थोड़ा हाइट ज़्यादा होगा क्योंकि तो रीज़न क्या है कि डेटा ज़्यादा होगा तो बीच बीच में मैं मिस्टर इंडिया भी बन जाऊँगा गायब भी हो जाऊँगा बट फोकस करना आप डेटा पर और हमारे साउंड पर जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है चलो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो बताओ जल्दी से मुझे चैटबॉक्स में कि नोबल प्राइज़ जो है वो कितने फ़ील्ड में दिया जाता है बताओ मुझे जल्दी से ज़रा जो नोबल प्राइज़ होता है ज़रा बताना वो जल्दी से बताओ कितने ऐसे फील्ड हैं जिसमें नोबल प्राइज़ दिया जाता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जरा मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कितने आ, कितने फील्ड में कितने फील्ड में याद रखना आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है बताओ सबसे पहला क्वेश्चन और मैंने ऑलरेडी बताया आज हम लोग को लाइव टेस्ट भी करते रहना है कि जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो हमें याद भी हो रहा है कि नहीं क्योंकि याद रखना ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा वेदर गो फॉर द रेलवे बैंकिंग किसी में भी याद रखना इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे गारंटी बहुत लोगों ने आंसर दिया सभी लोगों ने आंसर दिया छः 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 यानी कि हमें ये तो पता होगा ना देखो हीरा फातिमा जी ने कहा बेटा फाइव कैटेगरी नो इट्स रॉन्ग यानी सभी लोग ने छः कहा यानी कम से हमें ये तो पता होगा ना कि किस एरिया में हमें दिया जाता है ओके अगर मैं कहूँ तो ये वो एरिया यही है एक हमारा हो गया पीस का पुरस्कार एक हमारा हो गया इसको हम लोग कहते हैं क्या साइकोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं एक हमारा केमिस्ट्री हो गया एक हमारा इकोनॉमिक्स हो गया एक हमारा फिजिक्स हो गया और एक हमारा क्या हो गया लिटरेचर हो गया अच्छा बताओ जल्दी चैट चैटबॉक्स में ऐसा कौन सा प्राइज़ है इस बार जिसमें सिर्फ फ़ीमेल को ही दिया गया है ऐसा कौन सा प्राइज़ है वेदर जो भी अवार्ड्स होते हैं छः कैटेगरी में जिसमें से इस बार सभी दोनों तीनों जो भी कैटेगरी है वो गर्ल्स हैं बेटा सिमरन कल कुछ रीजंस था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी मैं ये बोलूँ तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई आज मैं स्वस्थ हूँ इसलिए क्लास ले रहा हूँ ठीक है ओके okay, तो याद रखना केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे पूछ सकता है एग्जाम में कि इस बार 2020 में ऐसा कौन सा प्राइज है जिसमें सिर्फ फीमेल को ही दिया गया फर्स्ट टाइम नहीं है बहुत बार ऐसा हुआ है बट क्योंकि हम लोग को इस बार की बात करते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अगर हम बोलें सबसे पहले अगर मैं बोलूँ नॉवल की शुरुआत कहाँ हुई तो पता होगा सभी को दिस इज़ कॉल 1901 जीरो वन दिस इज़ कॉल फर्स्ट अवार्ड दिया गया था ठीक है बेटा बहुत अच्छा बेटा रस्मि याद रखना केमेस्ट्री देखो बड़ा यूनिक है इसमें देखो आंसर बड़ा यूनिक है मैंने क्या कहा सिर्फ एक फीमेल होगी तो लिटरेचर हो गया और अगर मोर देन वन फीमेल है तो क्या होगा आंसर हमारा केमिस्ट्री तो समझना ध्यान से कन्फ्यूजन है यहाँ पर एक अगर पूछेगा तो फीमेल क्या कहेंगे लिटरेचर और अगर कहेंगे एक से ज़्यादा होगा तो क्या आंसर हमारा होगा केमिस्ट्री ठीक है चलो एक चीज बहुत याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी प्राइज बेटा मिलते हैं वो सारे मिलते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पता होगा आपको ठीक है बट याद रखना जो प्राइज पीस प्राइज है जिसको कहते हैं ना शांति का पुरस्कार वो याद रखना हमेशा मिलता है नॉर्वे की राजधानी में ये जरूर याद रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है खासकर बात कर रहा हूं नोबेल की ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगर मैं बोलता हूं जो सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे पहला पॉइंट है याद रखना दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है जरा समझना ध्यान से जो नोबेल का पहला प्राइज़ है उसको कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समझना ध्यान से इस बार क्या किया है वो आपको पता होगा इस कोरोना काल में इस कोरोना काल में अगर मैं बोलूं इस कोरोना काल में तो कहीं कही ना कहीं आपको पता होगा कोविड नाइन्टीन में अगर पता होगा जो तो सबसे पहली बात होती है हंगर यानी भूख को मारने की बात कही जा रही है याद रखना इसीलिए इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार मिला है याद रखना नोबेल का पीस प्राइज समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो ओके okay? जस स्कूल जसकूल जस स्कूल जस स्कूल जस स्कूल रखना बेटा ठीक है थीके? चलो याद रखना जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है याद रखना वो बेटा रोम है एक चीज जरूर याद रखना रोम में इसका हेडक्वार्टर है और अगर मैं बोलूँ इसकी स्थापना कब होगी तो क्या कहेंगे सिक्सटी वन में सिक्सटी वन में इज द राइट आंसर बुरा बस दो मिनट देना चलो मेरी साउंड आ रही है कन्फर्म कर दो बेटा साउंड ओके देखो याद रखना दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको और लोगों का काम ही होता है आपको डीमोटिवेट करना आप उस, पे एकदम आप उस पे? पर एकदम मत सोचिए बिल्कुल मत सोचिए आप बस फोकस करिए कि इस पर पढ़ाई पर ठीक है तो मैं कह रहा था याद रखना जो नोबेल का पीस प्राइज याद रखना वो मिला किस में याद रखना मैं बोलता हूँ तो याद रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ठीक है अगर मैं बोलूँ इसकी स्थापना कब हुई तो क्या होगा आंसर हमारा नाइन्टीन में इसकी स्थापना की गई अब जरा समझना ध्यान से वर्तमान में जो उसकी हेड है उनका नाम क्या है बेटा याद रखना डेविड बैसले ये वर्तमान में याद रखना नोबल प्राइज़ की बात करते हैं तो हेड हैं इसके ठीक है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के और जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूछता अक्सर है कि किस फील्ड में किस फील्ड में दिया गया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझना ध्यान से तो अगर पूछे कि किस फील्ड में दिया गया है द आंसर इज़ वेरी कॉमन उसको कहते हैं फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैक्ट हंगर इसको जरूर याद रखना किस किस फील्ड में जरूर दिया गया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बिल्कुल बेटा बिल्कुल इस तरह याद रखना कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है ठीक है कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है ठीक है डो नॉट वरी आदतों को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ठीक है ना क्या करोगे आदती लोगों की कुछ ऐसी होती cool कोई ही है स्कूल चलो मेरा यहाँ क्वेश्चन बड़ा यूनिक है अगर मैं बोलूँ, जैसे आ, क्या कहते हैं हेमा ने पूछा कि सर अवार्ड कितना मिलता है बेटा याद रखना हेमा अवार्ड जो है ना अमाउंट वाइज मिलता है सभी में अलग अलग ठीक है ना अगर मैं बोलूँ तो किसी में आपने देखा होगा मिलियन अवार्ड भी मिलता है ठीक है तो उसको भी मैं एक बार नोट करा दूँगा कोई इशू नहीं है ठीक है चलो यानी कि याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फील्ड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक ना तो याद रखना पहला हमारा क्या हो गया यहां पर कि जो नोबेल का प्राइज है वो किसको मिला पीस का तो क्या कहेंगे आंसर क्या हमारा क्या हो गया पहला अवार्ड हमारा क्या हो गया नोबेल का पीस प्राइज किसको मिला बेटा याद रखना द आंसर हमारा क्या हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नंबर वन दूसरा पूछ सकता है कि किस सेक्टर में दिया गया तो क्या कहेंगे हम लोग याद रखना फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैक्ट हेंगर ओके तीसरा पूछ सकता है क्या याद रखना कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो क्या बोलेंगे द आंसर इज कॉल्ड रोम ठीक है ना इटली की राजधानी ओके डोली ने कहा ये सब संसार के ऊपर है देखो चांदनी में भी आ गई ठीक है लोगों का काम है जस्ट इग्नोर जस्ट इग्नोर जस्ट इग्नोर ठीक है चलो आगे चलते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो 2020 में इस बार का जो मेला है बेटा याद रखना लिटरेचर दिस इज़ कॉल उनका बहुत फेमस नाम है और कहते हैं ये अपनी आवाज़ के लिए बहुत फेमस है अपनी आवाज़ के लिए क्या कहते हैं बहुत फेमस है दिस इज़ कॉल लुइस क्लोक यानी कि याद रखना इनको इस बार का मिला है क्या लिटरेचर का अवार्ड 2020 का द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी इज़ एवॉर्डेड टू द अमेरिकन यानी कहाँ के रहने वाली हैं बताइए ये चीज़ ये भी ज़रूर याद रखना कि कौन सी कंट्री की हम तीन डेट आप ज़रूर याद रखिएगा कंट्री कौन है कंट्री कौन है कंट्री कौन है दूसरा याद रखना जरूर आप इस बात को कि उन्होंने किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला है और तीसरा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्राइज है वो कौन से एरिया की बात की ही जा रही याद है याद रखना ठीक है यानी अमेरिका की है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएट्री वॉइस यानी कि इनको इस आवाज़ के लिए मिला है इनके लिए जो कहते हैं ना आवाज़ बहुत मधुर है यानी कि याद रखना लॉयस ग्लुक लॉयस ग्रुक यानी इनको मिला है इस बार का क्या लिटरेचर का 2020 का एवॉर्ड ये हमारा हो गया दूसरा इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मैं बोलूँ सामने दिख भी रहा होगा फिजिक्स में 2020 का जो प्राइज़ दिया गया है याद रखना वो तीन लोगों को दिया गया जो पहले हमारे नाम हैं रोजर जी उनको याद रखना उनको हाफ दिया गया है बाकी की बात करें तो याद रखना इन दोनों को मिला के हाफ ऑफ दिया गया है ठीक है ना यानी कौन कौन से नाम हमें याद रखने होंगे पहला हमारा रोज़र हो गया दूसरा हमारा रेंचर्ड हो गया और तीसरा हमारा याद रखना बेटा एंड्री हो गया यानी कि इन तीनों को 2020 का नोबेल का प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में ज़रा बताओ जल्दी से कि रोज़र साहब को जो प्राइज़ मिला है फिजिक्स में बताओ जल्दी से जरा सभी लोग चैटबॉक्स में वो कौन से फील्ड में मिला है नोबेल का जो प्राइज़ है फिजिक्स में मिला है ज़रा बताओ जल्दी से कौन से फील्ड में दिया गया है रोजर जी को नोबेल का शांति पुरस्कार बेटा बेटा बताओ जल्दी से एकदम जरा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 जरा बताओ जल्दी से कौन से एरिया में दिया गया बेटा बहुत बेटा सही बहुत बिल्कुल सही याद रखना इनको मिला है याद रखना ब्लैक होल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन यानी कि याद रखना तीन डेटा जरूर आप याद रखेंगे पहला नेम क्या है तो क्या कहेंगे रोजर साहब हैं उसके बाद किस में मिला है उनको तो उनका नाम क्या हमारा हो गया फिजिक्स हो गया तीसरा यह है कौन सी कंट्री से हैं तो क्या बोलेंगे हम ये यूके से हैं और नेक्स्ट वन इनको कौन से फील्ड में मिला है तो क्या कहेंगे याद रखना ब्लैक होल के लिए इनको मिला है फॉर्मेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर हम बोलें जो दूसरा हमारे इसी फिजिक्स में है उनका नाम क्या है बेटा याद रखना रेंजर जेंजल अगर मैं बोलूं इनके बारे में तो याद रखना बेटा ये जर्मनी की हैं ये कहाँ के हैं जर्मनी के हैं और याद रखना इनको जो मिला है याद रखना फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मेसिव कॉम्बैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी यानी गैलेक्सी की बात होगी जब भी याद रखना जब भी बेटा गैलेक्सी की बात होगी जब भी बेटा गैलेक्सी की बात होगी तो याद रखना आंसर हमारा किसको जाएगा रेंचर्ड को जिनको मिला है याद रखना 2020 का नोबेल का फिजिक्स का प्राइज ओके और ये कहाँ के रहने वाले हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसको कहते हैं क्या जर्मनी अगर हम अगला कहें जल्दी से जो तीसरी बहुत फेमस लेडी हैं जिनका नाम है एंड्रिया याद रखना एंड्रिया गैस अगर मैं बोलूं तो याद रखना ये भी बेटा अमेरिका की है पहली पॉइंट हमारा हो गया और याद रखना इनको भी मिला है सेम फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मेसिव सेंटर ऑफ अवर यानी हमने देखा कि जब भी अगर बात होगा बेटा याद रखना फिजिक्स की बात ठीक है ना जब भी बात होगी याद रखना बेटा फिजिक्स की तो वहाँ तीन लेडी को मिला है पहला हमारा क्या हो गया एंड्रिया दूसरा हमारा क्या हो गया रेंचर्ड और तीसरा हमारा क्या हो गया रोजर ओके तीनों में से अगर मैं बोलूँ तो याद रखना तीनों को अलग अलग मिला है जो रोजरी को मिला है किन के लिए याद रखना बेटा फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल के लिए मिला और बाकी दोनों को किसके लिए मिला है याद रखना गलेक्सी के लिए और दूसरा भी हमारा क्या होगा गलेक्सी यानी यहाँ पर हमारा क्या कवर हो गया पहला हमारा आ, क्या कहते हैं थैंक यू बेटा चांदनी मैम थैंक यू बेटा देखो थैंक यू, यू चांदनी आंसर भी दे दिया बेटा हेमा ठीक है ना ओके चलो यानी कि हमने देखा यहाँ पे नोबेल में हमने केमिस्ट्री नोबेल में हमने देखा फिजिक्स देखा नोबेल में हमने लिटरेचर देखा नोबेल में हमने क्या देखा यहाँ पर पीस देखा हमारे तीन प्राइस कवर हो गए यानी कि हमारे बेटा तीन प्राइस कवर हो गए ओके okay? अब जरा अगला चलते हैं जल्दी से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने पूछा था स्टार्टिंग में ही याद रखा ठीक है आ, जो फेमस नेम हैं जिनकी अगर मैं बात बोलूं तो याद रखना एक है उनका नाम है एमुल कारपेंटियर एम्यूल और दूसरी हैं जेनिफ़र ए दौडना यानी कि याद रखना इन दोनों को इस बार का नोबल का केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया है अगर हम बोलें इनके बारे में तो याद रखना जो बेटा एमुल है वो कहाँ की रहने वाली हैं तो अगर मैं बोलूँ ये बेटा फ्रांस की रहने वाली है यानी अगर मैं बोलूँ कि ये कहाँ की रहने वाली हैं तो याद रखना ये फ्रांस की रहने वाली है और अगर मैं बोलूँ जेनिफर कहाँ की रहने वाली हैं तो याद रखना ये बेटा यूएसए की रहने वाली है यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में दो फीमेल्स को मिला है अवार्ड ठीक है दोनों फीमेल की बात करते हैं तो याद रखना जो एमुअल है वो कहाँ की रहने वाली हैं फ्रांस की और जो जेनिफर है वो कहाँ की रहने वाली हैं यू सबसे पहला काम हमें देखना होगा कि वह जो वैज्ञानिक है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो अब देखते हैं जरा कि इनको किस एरिया में मिला है किस फील्ड में मिला है तो क्या कहेंगे याद रखना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैथड ऑफ जेन्यून एडिटिंग जरा सुना होगा आपने ना जो डी एन ओ में जेन्यून एडिटिंग करके काम करते हैं ये कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कारक रूप में नाम आया बहुत लगातार न्यूज़ में भी रहा याद रखना जेनुम एडिटिंग के लिए मिला है फ्रांस और यूएसए की दो बहुत फेमस लेडी जिनका नाम है क्या एमुअल और जेनेफर एमुअल और जेनेफल अगर मैं बोलूँ याद रखना जो नॉबल का फर्स्ट प्राइज़ है वो याद रखना सबसे पहले दिया गया था 1901 में इसे मिलता है 9 मिलियन दिया गया था और याद रखना ये सारे अवार्ड किसके द्वारा मिलते हैं रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ठीक है ना मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना जितने भी अवार्ड होंगे पीस को छोड़ के वो सारे अवार्ड होते हैं कहाँ पर याद रखना है स्वीडन में और जो हमारा पीस वाला अवार्ड है वो होता है क्या याद रखना नॉर्वे की राजधानी ओसलो में ठीक है चलो अगर हम बोलें इंडियन वेंकट रमन कृष्णन कन्फ्यूज मत होना इनको मिला था नोबेल का सबसे लास्ट वाला प्राइज़ केमिस्ट्री में दो में जिन्होंने रेबोसोम में बहुत कुछ किया था अगर हमने पूछे आप सभी लोगों से इंडिया में अब तक कितने लोगों को ज़रा बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में कितने लोगों को नोबेल का प्राइज़ दिया जा चुका है बताओ जल्दी से आंसर इंडिया में अब तक कितने लोगों को नोबेल का प्राइज़ दिया जा चुका है बड़ा बड़ा से बेटा याद रखना इट्स वेरी कॉमन इंडिया में अब तक दस लोगों को याद रखना नोबेल का बेटा प्राइज दिया जा चुका है टोटल मेंबर कितने हो गए हमारे दस मेंबर हो गए ये हमारा यहाँ कवर हुआ बेटा चार जो पाँचवा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में तीन नाम बहुत फेमस हैं एक हमारा नाम क्या हो गया हारवी साहब एक हमारा क्या नाम हो गया मिसेल साहब और एक हमारा क्या नाम हो गया चार्लेस साहब याद रखना हार्वे मिसेल और चार्लेस हार्वे मिसेल और चार्लेस इन लोगों को मिला है इस बार का 2020 का याद रखना नोबल का शांति पुरस्कार ठीक है ओके okay. अगर हम बोले जल्दी से इनको किस फील्ड के लिए दिया गया बहुत फेमस याद रखना हैपेटाइस सी वायरस जो इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए इनको इन्होंने टीकाकरण ईजाद किया था इसलिए इनको याद मिला नोबेल का प्राइज़ दिया गया है याद रखना बहुत फेमस है मेडिसिन में यानी कि पहला हमारा क्या हो गया यह कौन सी कंट्री है तो ये हमारे क्या हो गए ये बेटा यू के हो गए मिशल जी कहाँ के हैं बेटा ये हमारे कहाँ के हो गए याद रखना यूके के हो गए चालीस हमारे कहाँ के हैं तो याद रखना बेटा ये यूएसए के हो गए यानी कि इन तीनों को मिला था और याद रखना सबसे पहले यही अवार्ड दिया गया था मेडिसिन में 2020 में यानी कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस ओके हाँ बेटा इस बार इंडिया का कोई नहीं है ठीक है हाँ बिल्कुल सही बोला श्वेता द्विवेणी ने लास्ट टाइम का बेटा इकोनॉमी मिला था अभिजीत बनर्जी जी को ठीक है अगला कहते हैं लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लास्ट अवार्ड था इकोनॉमी में किसको मिला नोबेल प्राइज का सम्मान याद रखना दो बहुत फेमस व्यक्ति हैं दोनों यूएसए के हैं दोनों कहाँ के हैं याद रखना दोनों बेटा यूएसए के हैं एक का नाम है पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे का नाम है याद रखना रॉबर्ट विल विल्सन यानी इन दोनों लोगों को नोबेल का इकोनॉमी का प्राइज दिया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्सन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्सन फॉर्म यानी याद रखना जब भी कहीं देखना ऑक्सन ऐसे याद करना अगर हम बात करते हैं याद रखना इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं याद रखना इकोनॉमी की तो याद रखना इस बार इकोनॉमी में जो ऑक्सन थ्योरी के लिए दो लोगों को दिया गया है नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार इसका नाम है क्या पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन इन दोनों लोगों को इस बार इकोनॉमी का प्राइज़ दिया गया है ज़रा समझना टोटल हमारे छः यहाँ अवार्ड कवर हो गए यानी कि पहला हमारा क्या था पीस प्राइज़ उसके बाद अगर हमने क्या बोले तो लिटरेचर हमारा कवर हो गया उसके बाद हमारा क्या कवर हो गया फिजिक्स कवर हो गया उसके बाद क्या हम कवर हुआ हमारा केमिस्ट्री कवर हो गया इकोनॉमी कवर हो गया और मेडिकल कवर हो गया यानी कि याद रखना हम लोग ने आज छो सेक्टरों में नोबेल को याद किया है मैं फिर से बोल रहा हूँ आप तीन डेटा जरूर याद रखना पहला वह कौन सी कंट्री का था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा उनको कौन से फील्ड में दिया गया है और तीसरा उनको प्राइज़ जो मिला है अवार्ड मिला है वो कौन से सेक्टर में दिया गया है जैसे एग्जाम्पल अगर पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इकॉनमी में पॉल आल मेग्रोम को इकॉनमी का नोबेल का प्राइज दिया गया है इनको किस फील्ड में हुं? दिया गया है नोबेल का इकोनॉमी का पुरस्कार तो क्या कहेंगे याद रखना फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्सन थ्योरी ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में फॉर इंप्रूवमेंट टू एक्शन थ्योरी के लिए दो वैज्ञानिकों को नोबेल का इकॉनॉमी का पुरस्कार दिया गया है वो दो वैज्ञानिक कौन है उसका नाम क्या हो गया हमारा पॉल आर मिलग्रोम और दूसरा हमारा क्या हो गया रॉबर्ट बी विल्सन गॉट इट चलो उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोगों को याद हुआ होगा और बस याद रखना बस कुछ नहीं करना आपको बस एक बार याद करना है ठीक है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब जरा चलते हैं आज की हम लोग वीकली टॉप एम में याद रखना ये सीरीज मैंने रखी है फिफ्टी एम सी क्यू की आ, अगर कुछ आज छूटता है तो उसको मैं कल भी पूरा करा दूंगा ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन जरा आपकी स्क्रीन के सामने है जो बताओ जल्दी से अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टाइटल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टाइटल का खिताब 2020 का किसने जीता और आपको ये भी बताना है किसको हरा के जीता बताओ जल्दी से आंसर हाँ बेटा हेमा याद रखना कुछ नाम बड़े यूनिक होते हैं ठीक है बेटा थैंक यू रश्मि थैंक यू याद रखना बहुत फेमस है अभी हाल ही में हुआ है फ्रेंच ओपन 2020 और अगर मैं बोलूं अभी हमने सारी डिटेल देखेंगे कि कौन से अवार्ड कहां कहां दिए जाते हैं समझना ध्यान से तो याद रखना रफेल नडाल साहब जीते हैं ये तो बहुत फेमस हो गए क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है कि रफेल नडाल कौन सी कंट्री के हैं ये भी जनरेट हो सकता है किन को हरा के जीता ये भी जनरेट हो सकता है याद रखना इन्होंने अभी नवाक दोजो के को हरा के जीता जरा सोचना जो नवाक दोजो के है ना उनकी जो वर्ल्ड की रैंकिंग है वो नंबर वन पे है और इनकी वर्ल्ड की रैंकिंग कितने पे है दो नंबर यानी सोचो दूसरे ने पहले को हरा दिया अब जरा बहुत ध्यान से समझना आपके सामने दिख रहा होगा सारी ट्रॉफी और सारे चैंपियन याद रखना जो भी टेनिस में चार बहुत फेमस है याद रखना एक हमारा क्या हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन एक हमारा क्या हो गया फ्रेंच ओपन एक हमारा क्या हो गया विमलडन और एक हमारा क्या हो गया यूएस ओपन अगर आपको याद होगा अभी फ्रेंच ओपन हुआ है और उससे पहले कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा अभी हुआ था यूएस ओपन ओके okay? यानी एग्जाम्स को देखते हुए हमारे लिए दो अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो स्पोर्ट्स पहला हमारा क्या हो गया फ्रेंच ओपन और दूसरा हमारा कौन सा हो गया यूस जरा देखते हैं जरा ध्यान से याद रखना सरफेस बहुत बार पूछा है यानी कि याद रखना जो सरफेस होती है ना किस पे खेला जाता है दोस्तों है ना इसमें खड़े के खेलते हैं जो कीचर सुना होगा ग्रास सुना होगा हार्ड कोर्ट सुना होगा गॉटेड तो याद रखना एक होता है हार्ड कोर्ट पर एक होता है क्ले कीचर जरा सोचो ना कीचर पर टेनिस होती है एक होता है ग्रास कोर्ट पर और एक होता है हार्ड कोर्ट पर यानी कि याद रखना अभी जो फ्रेंच हुआ है वो कहाँ पर हुआ है क्ले कोर्ट पर नंबर वन राफील नडाल जी ने जीता है यानी कि इन्होंने जीता है याद रखना मेंस का सिंगल का खेता बड़ा यूनिक जरा समझना इन्होंने इनको हरा कर जीता है नोवाक दोजोगविक को हरा के जीता है अगर मैं बोलूं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई पोलैंड की गर्ल लेडी है ना जिन्होंने सोफिया कैनन को हरा के जीता है याद रखना वोमेंस का सिंगल का खिताब बहुत ध्यान समझना दो डेटा यहां पर है पहला रफेल नडाल ने नोवाक दोजोकोविक को जीता है रफेल नडाल जो था बताओ कौन से कौन सी कंट्री के हैं बहुत फेमस स्पेन के रहने वाले हैं सबरिकी कौन हो गए हमारे नोवाक दो चावगी दो जो को भी खो गए याद रखना उसी प्रकार अगर मैं बोलूं तो अभी जो हाल ही में यूएस ओपन हुआ है वो जीता है इन्होंने किन, किन किनका नाम है क्या बेटा उनका नाम डोमिनिक थेम है जो कि बेटा याद रखना ऑस्ट्रेलिया की है और अगर मैं बोलूँ नाउमी ओसाका याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईली पेड अगर एथलीट कोई है तो उनका नाम क्या है नाउमी ओसाका जो कि बेटा जापान की हैं यानी कि हमारे यहाँ दो कवर हो गया पहला हमारा कवर हो गया क्या फ्रेंच ओपन और दूसरा हमारा क्या कवर हो गया हाँ सही बोला, नीचे वाले ने वाले को, रफिल नडाल ने को हराया नोवाको को भी हराया और ईगा ने किसको हराया सोफिया को हराया ए कहा की है पोलैंड की कंट्री की है रफेल कहां के हैं तो पता होगा आपको स्पेन के हैं थिम अभी हाल ही में जीते हैं किस में बेटा यूएस ओपन में जो कहाँ के रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के और नॉम्यू असोका कहाँ के रहने वाली हैं जापान की गॉट एन यानी यहाँ हम लोगों ने दो कवर किया पहला बेटा फ्रेंच ओपन दूसरा यूएस ओपन तीसरा यानी एक यहाँ कवर हो गया और दो हमारा कवर हो गया अब आते हैं जरा तीसरा ये थोड़ा पुराना है तीसरा और चौथा तो चांस बहुत कम है पूछने का बट तब भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं ठीक है चलो और याद रखना अभी राफेल नडाल जो है ना वो ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम जीत के रोजर फेडर के इक्वल भी हो गया है ठीक है ना चलो अगर हम बोलते हैं याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन तो याद रखना नोवाक दोजोकोविक ने जीता है और याद रखना यहाँ पे सोफिया खान जी जीती हैं अगर मैं बोलूँ विमंडल की जो बहुत पुराना हुआ है जून में हुआ इट मे भी पूछ सकता है याद रखना नोवाक दोजोकोविक और सिमोना हैलेब यानी जरा बड़ा यूनिक जरा समझना यहाँ से याद करने के लिए बड़ा आसान हमारे लिए होगा तरीका बड़ा यूनिक है इन्होंने इसको हरा के जीता ठीक है इन्होंने इसको हरा के जीता ये हमारे लिए हो गया वी वी दूसरा चाहे विमल्डन हो और चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो दोनों में जो जीता है मेंस का खिताब सिंगल ने जीता उनका नाम क्या हो गया याद रखना नोवॉक दोजोकोविक जो जो कि सार्बिया के रहने वाले हैं तीसरा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा यूएस ओपन हो गया मैं फिर से बोल रहा हूँ याद रखना अभी हाल ही में जीता है किन को डोमिनो थेम ने जीता है जो कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और साथ में नाओमी आसोका ने जीता है याद रखना किसका बेटा फीमेल का जो कि जापान की रहने वाली हैं बाकी थोड़ा सा आप जरूर देख लेना मेंस का खिताब डबल का वुमेंस का डबल का और साथ में आप मिक्स डबल्स भी ज़रूर याद करिएगा एग्ज़ाम में बेटा यही पाँच ऐसे पॉइंट हैं समझना ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ नंबर वन मैंस का नंबर दो वोमेंस का नंबर तीन मेंस डबल्स नंबर चार वोमेंस डबल नंबर पांच मिक्स डबल बस इन्हीं पांच को एक बार बहुत ज्यादा पांच बार सात बस एक बार रिवाइज कर लेना गारंटी आपको याद हो जाएगा ओके चलो आगे चलता हूं अभी हाल ही में आवाओ मुर्तो अभी न्यूज में रहे हैं आवाओ मुर्तो Uh, 16 साल की गर्ल बच्ची है जिनको फिनलैंड कंट्री का बना दिया गया एक दिन का प्रधानमंत्री जरा बताओ वह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं याद रखना एक बहुत फेमस मूवी आई थी ना इंडिया में सुनोगा आपने नायक याद है दिस इज कॉल नायक तो उसी नायक के लिए एक बहुत फेमस मूवी आई थी जिसमें एक दिनों का सीएम बना है जरा सोचो इस कंट्री ने एक दिन का बना दिया क्या उसको प्राइम मिनिस्टर जरा देखते हैं डिटेल आंसर हमारा क्या हो गया फिनलैंड कंट्री का नाम उस बच्ची का नाम क्या हो गया आवो मोरतो और जरा डिटेल थोड़ा देखते हैं समझना मानवीय संगठन प्लान इंटरनेशनल की गर्ल्स टेकओवर याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स टेक ओवर एक इनिशिएटिव है के पहल में फिनलैंड की भागीदारी का यह चौथा वर्ष यानी कि एक इनिशिएटिव है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कोई भी गर्ल्स किसी पुरुष से कम नहीं है ये बात बिल्कुल मानते हैं ना बिल्कुल याद रखना दुनिया की कोई भी गर्ल्स किसी पुरुष से किसी प्रकार से कम नहीं है सभी लोग मानते हैं ठीक है जरा समझना जो दुनिया भर के किशोरों को एक दिन के लिए नेताओं के क्षेत्रों में कदम रखने के लिए अनुमति दे देने की जैसे आ, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी होगी उनकी एक दिन की जो देखभाल की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को देगी आप आज से देखोगे उस मिनिस्ट्री को उस कंट्री को वटेबर जो भी पोजीशन होगी तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट उसका नाम क्या है गर्ल्स टेक गर्ल्स टेक एक इनिशिएटिव है नंबर दो फिनलैंड की कंट्री क्या करेंसी क्या होगी हमारी याद रखना यूरो होती है और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या होती है याद रखना हेलसिंकी की होती है और जो वर्तमान में भी पीएम है वहाँ की उनका नाम क्या है याद रखना सना मारिन बहुत यंग हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं यानी कि फिनलैंड की पीएम का नाम सना मारिन है ओके हेलसिंकी वहाँ की क्या है याद रखना कैपिटल uh, है और यूरो वहाँ की क्या है करेंसी है इसलाक जी बिल्कुल बन जाओगे टेंशन मत लेना ठीक है अगला क्वेश्चन जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हैज इंटर इन टू पार्टनरशिप टू प्रमोट इट्स विज्ञान ज्योति एंड विज्ञान प्रसार यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में किस तकनीकी संगठन विज्ञान, विज्ञान विभाग ने अपनी विज्ञान ज्योति और विज्ञान प्रसार की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की है किसके साथ की है बराज बहुत प्यारा सा आंसर बेटा आंसर बेटा क्या होगा याद रखना अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने आ, एक कोलैबोरेशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ जिसमें क्या होगा प्रमोट इट्स विज्ञान ज्योति एंड विज्ञान प्रसन्न कि बात हो रही है किसने बेटा याद रखना साइंस की बात लेके ठीक है चलो डिटेल देखते हैं जरा इसमें क्या होगा अंडर दिस पार्टनरशिप द स्कोप ऑफ टू डी एस टी याद रखना अभी डी एस टी का पीछे फुल फॉर्म बताया मैंने इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं ठीक है, है ना यानी कि याद रखना इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इनिशिएटिव ले रहा है इसमें दो चीज़ें हैं विज्ञान ज्योति एंड विज्ञान प्रसार ठीक है दूसरा विज्ञान ज्योति एंड विज्ञान प्रसार इनिशिएटिव का पर्पज़ क्या है प्रमोट समझना ध्यान से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस टी एम का फुलफॉर्म एस टी एम का फुल फॉर्म समझना ध्यान से क्या क्या होगा साइंस हो गया टेक्नोलॉजी हो गया इंजीनियरिंग हो गया एंड मैथमेटिक्स हो गया यानी कि ओवरऑल अगर बात बोलो तो याद रखना साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है विद हेल्प ऑफ स्टेम याद रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस टी एम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से ओके okay. अगर हम आगे देखें तो याद रखना डी एस टी एंड आई बी एम दोनों मिलकर काम करेंगे और प्रमोट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन एकेडमिक एजुकेशन यानी कि जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है उसमें वो क्या क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर ये चर्चा करेंगे और प्रमोट करेंगे द प्रमोशन विल बी कंडक्ट थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्सेज यानी कि जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया के एकेडमी में कोई मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा नहीं है जिससे बेसिकली हम अट्रैक्ट होते हैं किसको साइंस के प्रति में दोस्तों ठीक है ना यानी कि याद रखना शॉर्ट टर्म कोर्सेज वर्कशॉप मेंटरशिप एंड कंटेंट कम्युनिकेशन पे इन लोग काम करेंगे याद रखना कौन कौन काम करेंगे डीएसटी और आई मैं फिर से बोल रहा हूँ एक हमारा कौन सा टर्म हो गया डीएसटी का फुल फॉर्म दूसरा हमारा क्या हो गया कौन जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे आई तीसरा क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है कि जब बताओ एस टी -E का फुल फॉर्म क्या होगा यानी याद रखना दी ज़्यादा बेसिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है चलो अगर हम इसी में और बात करें तो याद रखना द मेंटरशिप रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी ऑफर टू द गर्ल्स फ्रॉम ग्रेड नाइन टू ट्वेल्व यानी कि नौ से बारह की बच्चियों को एक मेंटरशिप भी दिया जाएगा कि आप साइंस में और क्या बेहतर इनोवेशन कर सकते हो दिस इज कॉल दिस इज कॉल याद रखना एग्रीमेंट बिटवीन आई बी एन एंड डी एस टी ओके चलो अगला बहुत प्यारा अभी हाल ही में कौन से प्रदेश ने कहा है प्लांटेशन पॉलिसी की स्टार्ट की है पास की है बताओ जल्दी से आंसर क्या उत्तर प्रदेश दिल्ली गोवा हिमाचल प्रदेश आंसर क्या होगा बहुत फेमस राज्य है भाई अच्छा अगर मैं बोलूं आंसर क्या हो गया दिल्ली दिल्ली ने साफ साफ कहा है कि भाई हमारे स्टेट में अगर आपको पोल्यूशन हटाना है तो पौधों को लगाना होगा ठीक है ना उसी को देखते हुए याद रखना द ट्री प्लांटेशन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ याद रखना वहाँ पर स्कीम चलाई जा रही है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक इनिशिव वहाँ पे चला जा रहा है उसी में साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी था कि आप ऐप डेवलप किया गया उस ऐप के माध्यम से सब फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे अगर मैं बोलूँ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो गया जहां पर 100 प्रतिशत याद रखना एल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है अगला अभी लगातार ही न्यूज में रही है संविता योजना का पूर्ण रूप में आई का क्या अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बहुत अच्छा रश्मि ने बहुत बेटा सही बोला दिल्ली अरविंद केजरीवाल बिल्कुल केजरीवाल दिल्ली है और याद रखना अनिल बायजाल वहां के क्या है बेटा बिल्कुल सही बोला आपने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बिल्कुल सही बेटा चलो देखो आंसर जरा याद रखना जो सम्मित्वा स्कीम है स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ एम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया समझना ध्यान से यानी गाँव को मैपिंग करके गाँव को मैपिंग करके उसे इम्प्रोनाइज करके टेक्नो फ्रेंडली बनाने की योजना की बात कही जा रही है जिसका नाम क्या है बेटा याद रखना समितवा फिर से मैं बोल रहा हूँ एस मतलब हो गया सर्वे वी मतलब हो गया विलेजेस एम मतलब हो गया मैपिंग आई मतलब हो गया इंप्रोमाइज टी मतलब हो गया टेक्नोलॉजी वी ए मतलब क्या हो गया विलेज एरिया अनटिल नौ अब तक अराउंड करीब एक लाख बेनिफिशरी हैव रिसीव द प्रॉपर्टी कार्ड मतलब उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा कि मेरा बस ये कार्ड है और मेरा ये घर है ओके okay? बेसिकली ये स्कीम अभी स्टार्टिंग में बात बोलूँ तो याद रखना हरियाणा में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में चालू की जा चुकी है फिर से मैं कह रहा हूँ संबित के माध्यम से आपका एक जॉब कार्ड होगा एक लीगल कार्ड होगा इसमें लिखा रहेगा कि आपको प्रॉपर जैसे नहीं राशन कार्ड होता है आपका एक हाउसिंग कार्ड होगा और साथ में आपके विलेजेस में आपके गांव को आपका जो घर है उसको प्रॉपर मैपिंग किया जाएगा इंप्रोवाइज किया जाएगा उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है ठीक है ओके okay, चलो अगला इनमें से कॉन्स फोर्स इंडिया रिच लिस्ट बीस में शीर्ष पर है बताओ जल्दी से आंसर अभी हाल ही में इसमें कौन ऐसे हैं जो 2020 में सबसे ज्यादा अमीर में नाम आया है गौतम अदानी शिवनादर रतन टाटा मुकेश अंबानी आंसर क्या होगा याद रखना लगातार तेरहवीं साल थर्टींथ ईयर याद रखना जो मुकेश अंबानी साहब हैं वह फोर्ब्स इंडिया के अनुसार भारत के नंबर वन रिचेस्ट व्यक्ति हैं अगर मैं समझूं ज़रा ध्यान से याद रखना मुकेश अंबानी नंबर वन पे गौतम अदानी नंबर दो पे शिव नादर नंबर थ्री पे राधा कृष्णन दमानी चार पे एंड हिंदुजा ब्रदर पाँच पे याद रखना रिलायंस इंडस्ट्री पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी नंबर वन पे है तो रिलायंस इंडस्ट्री दूसरा अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन वाली कंपनी एस हो गया हमारा तीसरा एवेन्यू सुपर मार्ट हो गया हमारा चौथा और याद रखना अशोक लीलिन की बात करता हूँ हिंदुजा ब्रदर की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारा क्या यानी तो कि याद रखना दीज आर द इंडिया टॉप इंडिया टॉप फाइव कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा रिच हैं ओके okay? चलो अगला बहुत फेमस क्वेश्चन है कंफ्यूज मत होना मैंने एनआरआई डे नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूं व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मार्क विश्व प्रवासी दिवस कब चिन्हित किया जाता है दस अक्टूबर को सुना होगा आपने नहीं बर्ड्स माइग्रेट करती हैं फ्रॉम अदर कंट्री टू माय कंट्री फ्रॉम अदर प्लेस टू माय प्लेस याद रखना हर साल 10 अक्टूबर को मनाते हैं क्या बिल्कुल सही है याद रखना वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है ओके अगर मैं बोलूं याद रखना इस बार का थीम क्या है समझना बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड यानी चिड़िया जो हैं वो वर्ल्ड को जोड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा क्या कहा गया याद रखना 11 अक्टूबर को ही मनाते हैं याद रखना इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड और याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार का जो थीम है वो रखा गया है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर फ्यूचर दिस इज कॉल थीम 2020 थाउजेंड ट्वेंटी फॉर इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर ओके अगला जल जीवन मिशन के तहत सौ प्रतिशत नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला कौन सा राज्य भारत में पहला हर हर घर जल राज बन गया है यानी सभी जगहों पर सभी जगहों पर याद रखना घर में टैब कनेक्शन दिया जा चुका है कौन सा वो राज्य है गोवा है एमपी है बिहार है हिमाचल प्रदेश है बिल्कुल बेटा साहब याद रखना जो आंसर हमारा क्या हो गया याद रखना गोवा यानी गोवा में सभी जगह पर याद रखना जल कनेक्शन दिया जा चुका है अगर मैं बोलूं एक बहुत फेमस कैंपेन चल रहा है गो कोरोना गो कोरोना अगर आपको याद होगा ये भी एम से हुआ है और साथ में अगर मैं बोलूँ याद होगा आपको फाइबर को लेकर अभी नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर उद्घाटन भी किया है टेक्नो इंडिया इन बिहार टेक्नो इंडिया इन बिहार ओके अगला कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बिल्कुल बेटा सही बोला रश्मि ने प्रमोद सावंत जी सीएम बेटा है कहाँ के गोवा के और कोश्यारी जी को दिया गया एडिशनल जिम्मेदारी महाराष्ट्र के साथ गोवा की मैंने अभी याद भी कराया है याद रखना वो स्टेट बहुत प्यारा सा स्टेट है उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड या देखेंगे योजना का नाम क्या है क्या डिटेल है समझने का योजना इज लॉन्च्ड विथ एम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पता होगा आपको इस कोरोना काल में लोगों की रोज़गार बहुत गई है उसी को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी इन यूथ एंड प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी लाइक वाइंड हो गया सोलर हो गया उसकी बात कही जा रही है ठीक है दूसरा यूथ एंड माइग्रेंट हु हैव रिटर्न द टू द स्टेट एंड हैव लॉस्ट दियर जॉब ड्यू टू पेनाडेमिक कोविड 19 उनको इस योजना का फ़ायदा होगा तीसरा द स्कीम विल ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर टू अराउंड टेन थाउजेंड यूथ एंड माइग्रेन यानी कि वैसे व्यक्ति वैसे वर्कर और यूथ याद रखना जो दूसरे स्टेट से उत्तराखंड गवर्नमेंट में आए हैं उनका रोजगार चला गया उनके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है याद रखना स्वरोजगार योजना बेसिकली किसके लिए याद रखना ग्रीन एनर्जी के लिए ठीक है जो जिनको बेनिफिट होगा द बेनिफिशरी विल बी अलॉटेड विथ सोलर प्लान्टवेंटी फाइव किलो वाट दिया जाएगा उनको जिसके द्वारा वो अपनी रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और याद रखना दी सोलर प्लांट्स विल जनरेट 38,000 एट थाउजेंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एन जिसको उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन करीब 25 सालों तक खरीदेगा जरा सोचो सरकार ने कहा आप बिजली प्रोड्यूस करिए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करिए और आपको बाहर नहीं जाना आपको हम अपने स्टेट में ही उसको खरीदने के लिए बायर्स आपको देंगे दिस इज कॉल याद रखना सौर सुमार स्वरोजगार योजना ठीक है बिल्कुल सही बोला याद रखना त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के क्या है बेटा बिल्कुल सही है वहां के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और याद रखना बेबी रानी मौर्य याद रखना बेबी रानी मौर्य वहां के क्या है याद रखना गवर्नर है ओके आगे अगर हम कहें तो याद रखना इसमें जो लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा और साथ में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट बैंक और जो लोन मिलेगा वो मिलेगा याद रखना पंद्रह सालों के लिए बेटा ठीक है ना यानी कि क्या क्या चीज़ हमारा यहाँ क्लियर हुआ पहला प्रोजेक्ट है किसके लिए ग्रीन एनर्जी के लिए दूसरा कौन से स्टेट में योजना स्टार्ट की गई तो क्या कहेंगे उत्तराखंड में योजना स्टार्ट की गई चौथा बेसिकली जो सोलर प्लांट दिए जा रहे हैं पूछ सकता है वह कितने किलोवाट का होगा तो आंसर हमारा क्या होगा 25 किलोवाट का सोलर प्लांट देने की बात कही जा रही है ओके okay? अगला बड़ा प्यारा अभी हाल ही में सागर कवच एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है सागर कवच जरा बताओ जल्दी से ये जो एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पर हुआ है केरला में कर्नाटका में लक्षद्वीप में सभी जगह या कोई नहीं याद रखना केरला कर्नाटका लक्षद्वीप तीनों के कोस्टल एरिया में ये एक्सरसाइज की गई है अच्छा डिटेल देखते हैं जल्दी से द पार्टिसिपेट वे आर डिवाइडेड इन टू टू टीम्स जिनका नाम क्या था एक रेड टीम जो अटैक करेगी और दूसरा ब्लू टीम जो डिफेंस करेगी याद रखना एट प्रेजेंट जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनका नाम है क्या है एडमिरल कारमबीर सिंह एडमिरल करमबीर सिंह वहां के क्या है बेटा याद रखना एडमिरल है ठीक है और याद रखना पूछ सकता है कि जो सागर कवच है वो किसके लिए याद रखना दो दिनों का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई है केरला कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय समूह पर ठीक है चलो अगला अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने कहा है अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले के लिए भारतीय रेलवे खान पान यानी कि आई के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया है यानी उनके पोर्टल पर भी अब आप रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं क्या वो फ़्लिपकार्ट है क्या वो रिलायंस है क्या वो अमेजोन है क्या इनमें से कोई नहीं आंसर क्या होगा पलक बेटा बिल्कुल सही बोला आफिफ अभिषेक ने भी बिल्कुल सही बोला रश्मि ने बिल्कुल सही बोला याद रखना चलो याद रखना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में अमेजोन ने कहा है कि हमारे पोर्टल पर अब आप टिकट वहां पर बुकिंग कर सकते हैं ठीक है ट्रेन टिकट ऑन अमेजॉन ट्रेन टिकट ऑन अमेजॉन अगला अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा रुद्रम वन आपको बताना है ये जो रुद्रम वन है वह क्या है कोई मिसाइल है कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल है कोई प्लेन है कोई सिप है इनमें से कोई नहीं आंसर क्या सुभाष का सही हो गया सरोजनी का सही हुआ नेहा का सही हुआ सही गुप्ता जी का भी सही हुआ बेटा चलो जरा देखना जरा समझ के ध्यान से आंसर क्या है एंटी रेडिएशन मिसाइल जो नई मिसाइल आके रोकती है इंडिया ने टेस्ट फायर किया है रुद्रम फर्स्ट इंटीजनस एंटी रेडिएशन, वो जो नहीं कोई मिसाइल आती है तो उसको पहले रास्ते में ही ख़त्म कर देते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल इज इम्पोर्टेंट ठीक है डीआरडीओ फ्राइडे सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ऑन रेडिएशन टारगेट लोकेटेड ऑन याद रखना ये उड़ीसा से छोड़ा गया है ओके okay, अगला अभी हाल ही में नाबार्ड ने किन के साथ एक समझौता किया है कि आप क्रेडिट सपोर्ट करोगे नाबार्ड के किसी भी प्रोजेक्ट में आंसर क्या है अगर मैं बोलूं नाबार्ड आपको याद भी होना चाहिए पहला पॉइंट इसे क्या जनरेट हो सकता है यह कब बना 12 जुलाई 82 को बन के तैयार हो गया दूसरा चिंटाला साहब इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं तीसरा याद रखना शिव रमन ने इसकी स्थापना की थी चौथा इसमें सौ प्रतिशत शेयर किसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में एस में अगर आपको याद होगा उसने टाइटन के साथ भी एग्रीमेंट किया था यस बैंक ने अगर आपको याद होगा युवा ए एप लॉन्च किया था फॉर प्रमोशन के लिए अगला आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में रामविलास पासवान जो पहले कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे वो नहीं रहे तो वो जो मिनिस्ट्री है वर्तमान में किसको दे दी गई पीयूष तो गोयल को स्मृति ईरानी जी को सदानंद गौरा जी को नरेंद्र सिंह तोमर को किनको मिली एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ जल्दी से आंसर आदित्य ने सही बोला रोशनो ने सही बोला बिल्कुल बिल्कुल सही बोला बिल्कुल एस बी एक जुलाई उन्नीस में बना था रश्मि बेटा बिल्कुल सही याद रखना अभी जो पीयूष गोयल हैं उन्हीं को यह जिम्मेदारी दे दी गई है अगर मैं बोलूं स्मृति ईरानी क्या है तो पता होगा आपको टेक्सटाइल ठीक है सदानंद गोवरा कोई मिनिस्टर नहीं है पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के अगर मैं बोलूं नरेंद्र सिंह तोमर के लिए तो याद होगा आपको एग्रीकल्चर पीयूष गोयल क्या है रेलवे मिनिस्टर पता ही होगा और आप साथ में क्या होगा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री भी संभालेंगे अगला अभी हाल ही में ज्ञान सर्किल वेंचर स्टार्ट किया गया निम्नलिखित में से किसने ज्ञान सर्किल वेंचर का उद्घाटन किया है रविशंकर नितिन गडकरी रमेश पोखरियाल पीयूष जी इनमें से कोई नहीं आंसर क्या होगा श्वेता का सही होगा बेटा पूनम का भी सही हो गया मानसी भी सही हो गई आ, मरावी जी भी सही हो गई मानसी भी सही हो गए हैं सभी लोग बेटा सही हो गए, बिल्कुल याद रखना अब जरा समझना ध्यान से जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो ब्रॉडकास्टिंग और साथ में नियम कानून यानी कि लॉ मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं जो भी बात हो रही है रोड वो संभाल रहे हैं कौन नितिन गडकरी सी और जो भी हमारा एचआर है एजुकेशन उसको कौन संभाल रहे हैं मिस्टर रमेश पोखरिया निशांक जी ये तो पता ही होंगे रमेश रेलवे मिस्टर हमारे हैं आंसर हमारा क्या हो गया रमेश पोखरियाल जी ने भी हाल ही में ज्ञान सर्किल वेंचर की शुरुआत की है देखिए क्या है ये जो ज्ञान सर्किल वेंचर है याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक फंड बनाया है टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ऑफ आईआईटी श्री सिटी आंध्र प्रदेश में इसमें क्या होगा विल वर्क एज ए टेक्नोलॉजी इनकम्बेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेनर यानी कि यहाँ पर बेसिकली uh, जो भी नए नए कंपनीज डेवलप होती है उसको कैसे हम और बेहतर करें है ना याद रखना और याद रखना टाइड का फुल फॉर्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेनर की बात कही जा रही है एम ऑफ दिस इंक्यूबेशन क्या होगा सेंटर इज टू डेवलप इंटरप्रेनर ए स्किल इन यूथ एंड गाइड दैम टू बिकम इनोवेटर ओके चलो नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल एज पॉवर्टी एंड सेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी यस बेटा पूनम आप बिल्कुल सही बताया आपने बिल्कुल बेटा सही है आप सभी बहुत विजेता हो यार थैंक्स टू ऑल थैंक्स टू ऑल जरा समझना जब भी कहीं देखना जब भी कहीं देखना डेवलपमेंट अगर मैं बोलूं, ए डी बी मनीला में हेडकॉटर मेंबर कितने 61. वन ए क्वेश्चन दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर? टोटल 164. सिक्सटी फोर हेडकॉटर कहाँ पर जनेवा में तीसरा वर्ल्ड बैंक पता होगा आपको इसमें पांच विंडो हैं आई बी आर डी आई डी ए मीगा आई सी एस आई डी और याद रखना आई एफ एस सी इन पांचों को मिला के ही क्या बनता है वर्ल्ड बैंक इसमें कितने मेंबर हैं वन एट्टी नाइन अगर मैं बोलूं आई एम एफ से क्या होगा तो याद रखना वन एट्टी नाइन और इसका क्वार्टर वाशिंगटन डी सी में इसका भी कहाँ पर वाशिंगटन डी सी में ओके okay. जब भी कहीं देखना डेवलपमेंट जब भी कहीं देखना डेवलपमेंट बिल्कुल बेटा सही बोला डेविड मालपा याद रखना वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन भी हैं जब भी कहीं देखना है डेवलपमेंट तो आंसर क्या होगा हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक यानी कि आंसर हमारा होगा वर्ल्ड बैंक ठीक है अगला अभी हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सौ रुपए का सिक्कर जारी करेंगे किन ऑनर में महात्मा गांधी जी के ऑनर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऑनर में या विजय राजे सिंधिया जी के ऑनर में बताओ जल्दी आंसर क्या होगा बेटा रश्मि तेज हो गई है गुड बेटा सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा इस बार हम लोग को सिलेक्शन लेना है एनी हाउ बाय हुक बाय ओके याद रखना अभी हाल ही में विजय राजे सिंधिया जी के जन्म पुण्यतिथि के रूप में याद रखना सौ रुपये का सिक्का जारी करने की बात सरकार ने कही है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज ए क्वाइन ऑफ रुपीज हंड्रेड रुपीज इन ऑनर ऑफ विजया राजे सिंधिया थ्रू वर्चुअल सेरेमनी वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर ऑफ बीजेपी विजया राजे सिंधिया इज पॉपरली नोन एज राज ऑफ ग्वालियर है याद न सिंधिया द क्वाइन इज बी रिलीज बाय इन सेलिब्रेशन इन बर्थ जन्मपुणतिथि की बात कर रहा हूं विजय राजे सिंह यानी कि उनकी जन्मपुति के रूप में याद रखना मोदी जी सौ रुपए का सिक्का जारी करेंगे अगर आपको याद होगा ना कभी कभी ऐसे सिक्के जारी होते हैं अगर आपको याद है वन फिफ्टी रुपीज का क्वन रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मपुणतिथि पर जारी किया गया था तो कभी कभी जारी होता है ठीक है आज का होमवर्क बड़ा यूनिक है आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपको बताना है सेबी का हेड कौन है एल का हेड कौन है यूरोपियन का हेड कौन है फीफा का हेड कौन है और याद रखना आपको बताना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और या तो बताना है आपको इस टेलीग्राम चैनल में राजीव मित्रा जी आप सभी का थैंक यू यार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखना कुछ लोग स्टार्टिंग मैच बहुत कॉमेंट किए हैं ठीक है याद रखना लोगों का काम है कहना हमारा काम है पढ़ना ठीक है ना तो थैंक यू टू ऑल आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए और याद रखना हम सभी का टारगेट होना चाहिए एनी हाउ बाय हुक बाय कुरुक इस बार जीए में हम लोग को मैक्सिमम स्कोर करना है कोई भी एरिया हो जितनी बार करना हो प्रैक्टिस करेंगे 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 लेकिन इस बार स्कोर बेहतर करेंगे आप सभी से मैं ये वादा करता हूँ ठीक है आ, याद रखना रूबी या तो बताना है बेटा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ठीक है ना और साथ में या तो आप बता सकते हो टेलीग्राम पे कि सर इस होमवर्क का आंसर ये होगा ओके सभी लोग थैंक यू सभी लोगों को थैंक यू और अगर आपको सेशन पसंद आया तो कुछ नहीं करना बस दो ही काम करना है सेशन को सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए थैंक यू टू ऑल आप हमेशा खुश रहें इंजॉय करते रहिए